नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज मनाई जाएगी सरस्वती पूजा। बिहार में शुरू हुआ नीडल फ्री वैक्सीनेशन। अब कारखानों में काम करने वालों को मिलेगी आवासीय सुविधा। बिहार विकास मिशन में विभिन्न पदों पर भर्तियां, आज है आखिरी मौका। ठंड के बीच बिहार में बारिश की मार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज मनाई जाएगी सरस्वती पूजा। विद्या की देवी कही जाने वाली मां सरस्वती की आराधना में आज हर कोई सराबोर होगा। हालांकि कोरोना के कारण इस साल बिहार में किसी भव्य पंडालों आयोजन की छूट तो नहीं दी गई, लेकिन अधिकतर लोग घरों में रहकर ही आज मां सरस्वती की आराधना करेंगे। वहीं बिहार की बात करें तो सरस्वती पूजा पर राज्य में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होंगे। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के 32 जिलों को अतिरिक्त बल भेजने का निर्देश दिया है। इसमें सशस्त्र बलों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में लाठीपाटी भी शामिल है। गुरुवार से ही प्रतिनियुक्ति शुरू कर दी गई थी। वहीं महिला बटालियन की पुलिसकर्मियों को 4 फरवरी तक प्रतिनियुक्त वाले जिलों में पहुंचने का आदेश भी दे दिया गया था। बिहार में शुरू हुआ नीडल फ्री वैक्सीनेशन। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के बीच शुक्रवार से कोरोना की नीडल फ्री पेनलेस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, जो कि बिहार के 5 जिलों में की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब 4 तरह की कोरोना वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और जायडस कैडिला की जायकोव डी लोगों के लिए उपलब्ध हो गई है। वहीं शुरुआती चरण में इसकी शुरुआत पटना, भागलपुर, जमुई, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में की गई है। टीका लेने वाले लोगों की माने तो टीका लेने के दौरान उन्हें महसूस भी नहीं हुआ कि वो टीका ले रहे हैं और जरा भी दर्द नहीं हुआ। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग अब तक अपना वैक्सीनेशन नहीं करवा पाए हैं, जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट करने के बाद ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा सकती है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शिल्पा शुक्ला की। शिल्पा शुक्ला हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। शिल्पा शुक्ला का जन्म बिहार में हुआ था। शिल्पा शुक्ला ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एमके रैना के थिएटर से की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म खामोश पानी से की थी। इसके बाद वो निर्देशक सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी में नजर आई। इस फिल्म में आलोचकों द्वारा उनके अभिनय की बेहद सराहना की गई। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान शाहरुख खान स्टारर फिल्म चक दे इंडिया की अखड़ बिंदिया नायक की भूमिका से मिली थी। इस फिल्म की पृष्ठभूमि हॉकी के ऊपर आधारित थी। इस फिल्म के उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकन मिला था। उसके बाद निर्देशक अजय बहल की फिल्म बी ए पास में भी वो नजर आई थी। छत पर सोलर प्लेट लगाने की शर्तें हुई आसान। केंद्र सरकार के साथ ही बिहार सरकार भी लगातार सोलर ऊर्जा को लेकर लगातार काम कर रही है। ऐसे में घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए अब नामित एजेंसी से ही रूफटॉप सोलर प्लेट देने की बाध्यता समाप्त हो गई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि उपभोक्ता चाहे तो वो खुद किसी के यहां से भी खरीदकर अपने घर की छत पर इसे लगा सकते हैं। सरकार की इस योजना में उपभोक्ताओं को 40% तक अनुदान मिलेगा। बता दें कि इसको लेकर जानकारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने खुद ही दे दी है। इसके नियमों में बदलाव को लेकर यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास राज्यों से इसको लेकर शिकायत पहुंची थी कि नामित एजेंसी सोलर प्लेट देने में आनाकानी करती है। छतों पर लगने के बाद अगर प्लेट में खराबी आ जाए तो उसकी मरम्मत प्रक्रिया में भी एजेंसी के लोग मनमानी कर रहे हैं। कारखाने में काम करने वालों को मिलेगी आवासीय सुविधा। आने वाले दिनों में बिहार में कारखानों में काम करने वाले कामगारों को आवासीय सुविधा मिलने वाली है, जिसके तहत ही अब श्रमिकों को उनके परिवार के साथ घर की सुविधा मिलेगी। इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग ने नया प्रावधान जारी किया है। इसको लेकर ही विभाग ने कहा है कि प्रत्येक नियोक्ता बगान में रहने वाले श्रमिकों और उनके परिजनों को यथासंभव काम के स्थान के निकट ही आवास की सुविधा प्रदान करेगा। कारखाना संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कारखाना और कर्मचारियों के आवास के बीच अधिक दूरी ना हो। इसके साथ ही अगर कोई महिला कामगार होगी तो उनके लिए संचालकों को अलग और सुरक्षित कमरा देना होगा। कमरा इस तरह होगा कि प्रत्येक कमरे में ताजी हवा का आना जाना हो। कमरा अंधेरा नुमा नहीं होना चाहिए। टेलीमैटिक्स के विकास केंद्र CDOT ने निकाली रिक्तियां। टेलीमैटिक्स के विकास केंद्र CDOT ने प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, रजिस्ट्रार, मुख्य वित्त अधिकारी, प्रौद्योगिकी विकास अधिकारी के कुल मिलाकर 165 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास BTEC, CA, ICWA, MBA, MTEC, PhD की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 25 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.cdot.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं।
ठंड के बीच बिहार में बारिश की मार। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदला नजर आ रहा है। ठंड की मार का सामना कर रहे लोगों को अब बारिश का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को राजधानी पटना समेत सारण, भोजपुर, बक्सर, सिवान, वैशाली, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण सहित राज्य के 26 जिलों में मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इन जिलों के कुछ स्थानों पर हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। बिहार के मोतिहारी की बात करें तो शुक्रवार को कश्मीर जैसी बर्फबारी हुई। बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। शहरी इलाके के अलावा अरेराज अनुमंडल के अरेराज ग्रामीण, पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र बलुआ, खजूरिया में सड़कों और खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई। बिहार में जल्द ही होगी मैट्रिक इंटर के शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार में जल्द ही मैट्रिक और इंटर के शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शिक्षा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसको लेकर ही उन्होंने कहा है कि सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही जहां शिक्षकों की कमी है वहीं जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए ताकि बच्चों को पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसको लेकर हाल ही में सीएम नीतीश ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग ने पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। राज्य में अब 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय। शारीरिक शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन का दिया अल्टीमेटम। बीते दिन राजधानी पटना में शारीरिक शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री ने आवास को अभ्यर्थियों ने घेर लिया था। मौके पर पहुंचे शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि हम लोगों का रिजल्ट घोषित होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है, निश्चित तौर पर जो कि गलत है, जिसको लेकर हम शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों की माने तो लोगों ने साल 2019 में ही परीक्षाएं पास की थी। नियुक्ति को लेकर लगातार सरकार टालमटोल कर रही है, कहीं न कहीं सरकार की नियत ठीक नहीं है। हालांकि छात्रों ने यह भी साफ किया है कि अगर सरकार हम लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द नहीं करेगी तो पूरे बिहार में हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पटना हाईकोर्ट के गृह सचिव ने सांसद और विधायकों पर चल रहे केस का मांगा ब्यौरा। पटना हाईकोर्ट ने सांसदों विधायकों के खिलाफ चलाए जा रहे मामलों की रिपोर्ट बीते दिन तलब की है। इसको लेकर कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव से जनप्रतिनिधियों से जुड़े तमाम आपराधिक मामलों की रिपोर्ट तलब की। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः दायर हुई एक जनहित याचिका की जनसुनवाई करते हुए गृह सचिव को 2 सप्ताह के अंदर अंदर हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। गृह सचिव को हलफनामे में सूबे के तमाम प्राथमिकी और थाने का विवरण देना है जो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। उनमें लंबित पड़े अनुसंधान की प्रगति, जिन मामलों में आरोप पत्र दायर हो चुका है उनकी कोर्ट में हो रही सुनवाई के चरण की हालिया जानकारी देनी है, जिसके बाद यह मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। इस दिन होगा मुंगेर ब्रिज का लोकार्पण। मुंगेर और बेगूसराय के बीच में जोड़ने वाली सड़क सह रेल पुल का लोकार्पण 11 फरवरी को होने वाला है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका लोकार्पण कर आम लोगों को समर्पित करेंगे। नितिन नवीन ने इसको लेकर जानकारी साझा कर दी है। इस दौरान बोलते हुए नितिन नवीन ने कहा कि ये पुल मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ेगा। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। टोपोलैंड के मुआवजे की राशि के भुगतान के कारण ये परियोजना धीमी हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में विशेष पैकेज के ये मुआवजे की राशि 57 करोड़ दी गई थी। साथ ही ये भी कहा गया है कि रेल सह सड़क पुल के निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। अब जल्द से जल्द पहुंचेगी पुलिस। जो पटना पुलिस अब तक आपको सुस्त नजर आती है वो अब आने वाले समय में और ज्यादा एक्टिव हो सकती है। महज 3 महीने के अंदर पटना पुलिस में बड़ा परिवर्तन देखने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अब पटना पुलिस हाईटेक होने वाली है और पटना पुलिस का सहायता वाहन महानगरों की तरह एक कॉल पर पीड़ित के पास पहुंच जाएगा। इसमें कुछ ही समय लगेंगे। मौके पर ही पीड़ित की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बाद पीड़ित को थाने का चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सारी सुविधाएं इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत संचालित डायल 112 से मिलेगी। 3 महीने के अंदर इस सेवा की शुरुआत होने की उम्मीद है। यहां सफल होने पर ही इसे दूसरे जिलों में भी लागू करने की योजना बनाई गई है। पटना के सभी जिलों में शुरू होगी कैंसर मरीज की पहचान। बीते दिन विश्व कैंसर दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों में जल्द ही कैंसर की स्क्रीनिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि इससे पहले 14 जिलों में कैंसर की पहचान को लेकर अभियान चलाया गया था। अभियान की सफलता के बाद अब इसे सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो मुजफ्फरपुर में 300 करोड़ रूपये की लागत से कैंसर अस्पताल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। इसके 2 साल में बनकर तैयार होने की संभावना।
अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का केंद्र बनेगा बिहार म्यूजियम। बिहार सरकार अब बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का केंद्र बनाने की कवायद तेज कर चुकी है। हाल ही में बिहार सरकार में बिहार म्यूजियम के प्रशासन को लेकर बड़ा बदलाव करने का आह्वान करते देखी गई थी। अब मुख्यमंत्री बिहार म्यूजियम के शासी निकाय के अध्यक्ष भी होने वाले हैं। वहीं बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह बिहार म्यूजियम के महानिदेशक बनाए गए हैं। महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद अंजनी कुमार सिंह ने बीते दिन ईटीवी भारत से खास बातचीत की और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का विश्व पटल पर पहचान दिलाना और बिहार म्यूजियम के जरिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का नियमित आयोजन उनके भविष्य की योजनाओं में शामिल है। राबड़ी देवी के बाद अब इस बाहुबली सांसद की पत्नी पर बन रही है वेब सीरीज। हाल ही में राबड़ी देवी के जीवनी पर फिल्म बनी थी, जिसके बाद अब बिहार में एक और बाहुबली सांसद की पत्नी के जीवनी पर फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है। लखनऊ में इन दिनों एक वेब सीरीज रंगबाज की शूटिंग हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसका फीमेल किरदार दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की जिंदगी से प्रेरित है। इस किरदार को एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह निभा रही है। वो एक पॉलिटिकल थ्रिलर वेब सीरीज रंगबाज में नजर आने वाली है। इस सीरीज में उन्हें मुख्य भूमिका में देखा जाएगा। सीरीज की कहानी और उसका कैरेक्टर डॉन से नेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से प्रेरित है। अभिनेत्री अपनी भूमिका को पर्दे पर निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। विकास मिशन में विभिन्न पदों पर भर्तियां, आज है आखिरी मौका। बिहार विकास मिशन ने विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं, जिसमें इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफिसर के 38 पद, एमआईएस और एनालिटिक्स सेल लीड के 22 पद, लीगल ऑफिसर के 5 पद, आईटी एक्सपर्ट के 9 पद और सबमिशन मैनेजर के 5 पद सहित कुल 95 पद शामिल है। भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 जनवरी 2022 से ही जारी है और लास्ट डेट आज है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट bvm.bihar.gov.in के जरिए 5 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुणे में बिहारी मजदूर की जान जाने पर सीएम नीतीश ने जताया शोक। बीते दिन महाराष्ट्र के पुणे में रात को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक निर्माणाधीन मॉल के लोहे का स्लैब गिरने से 5 मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई। दुर्भाग्यवश ये सभी बिहार के ही रहने वाले थे, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुणे के यरवदा स्थित निर्माणाधीन मॉल में हादसे में बिहार के मजदूरों की जान जाने पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के पुणे के एक निर्माणाधीन मॉल में लोहे की जाली गिरने से हुए हादसे को अत्यंत दुखद बताया है और हादसे में बिहार के कटिहार जिले के 5 मजदूरों की जान जाने पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही हादसे में बिहार के जान गंवाने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। साथ ही इस हादसे में घायल बिहार के सभी लोगों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। सीएम ने हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना भी की। अब दूर होगा बिहार का खाद संकट। बिहार का खाद संकट जल्द ही दूर होने की संभावना है, क्योंकि बिहार में खाद की किल्लत को दूर करने के लिए और राज्य में पर्याप्त मात्रा में खाद आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग को लेकर बिहार के सांसदों ने शुक्रवार को केंद्रीय उर्वरक मंत्री को ज्ञापन सौंपा। संसद भवन स्थित कार्यालय में बीते दिन ही पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने बताया कि गंभीर खाद संकट की समस्या पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया है। आईबीपीएस की तरह आरआरबी की एक परीक्षा कराएं। रेलवे अभ्यर्थियों ने रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को बैंक की तरह केंद्रीकृत परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है। अभ्यर्थियों की माने तो आईबीपीएस भी सभी बैंकों की परीक्षा केंद्रीकृत तरीके से लेता है, इसका रिजल्ट भी केंद्रीकृत तरीके से जारी करता है। आपको बता दें कि जिस बैंक में जितनी वैकेंसी होती है उसी अनुसार मेरिट के आधार पर कॉल करती है। श्रेणीवार मेरिट जारी करके सीटों को भरा जाता है। ये प्रक्रिया नियमित तौर पर चलती है। आईबीपीएस वेटिंग लिस्ट भी जारी करती है, इसके अनुसार रिक्तियां भरती है। इसका अपना कैलेंडर भी है, जिसके बाद ही रेलवे ने भी इसी के अनुसार परीक्षा लेने की मांग अभ्यर्थियों ने की। भक्चोनहर के बाद लालू यादव ने दिया नया शब्द थेथ्रोलॉजी। कुछ समय पहले ही भक्चोनहर के कारण विवादों में घिरे लालू प्रसाद यादव ने अब सरकार पर निशाना साधते हुए एक नए शब्द का ईजाद किया है, जो कि मीडिया में काफी चर्चा का विषय भी बन गया है। शुक्रवार को दिल्ली में एम्स में रेगुलर जांच के बाद पत्रकारों से कहा कि जो भी लोग ये कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और बिहार विशेष पैकेज एक ही तरह की बातें हैं, वो थेथ्रोलॉजी है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा भाजपा का कमिटमेंट था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भाजपा से है, लेकिन बिहार को दर्जा नहीं मिला। बावजूद इसके नीतीश उनके साथ चले गए। उन्होंने भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर बिहार के लोगों को गुमराह करने की बात कही है।
बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। बिहार को बीते कई दिनों से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही थी, हालांकि इसको लेकर बिहार भाजपा शुरू से इस मांग को सिरे से खारिज करती आ रही थी। इसी कड़ी में एक बार फिर से लोकसभा में भी जनता दल यूनाइटेड के कुछ सांसदों ने इसको लेकर अब सवाल किया, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि बिहार सहित किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है। बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं। इन दिनों बिहार में बालिका गृह कांड का मामला सामने आया ही था कि अब पटना बाजार समिति स्थित आरके कॉलोनी में बीते दिनों ही दो लड़कियों को छत से फेंकने की जानकारी निकल करके सामने आई, जहां एक बच्ची की जान तो मौके पर ही चली गई, वहीं एक का इलाज चल रहा है। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस दौरान उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि बच्चियों का इलाज उनकी पार्टी कराएगी। परिजनों को उन्होंने तत्काल 20,000 रूपए आर्थिक सहायता भी दी है। पप्पू यादव ने बताया कि जाप के राष्ट्रीय सचिव मुन्ना लगातार पीएमसीएच में बच्ची के परिजनों के साथ बेहतर इलाज के लिए बने हुए हैं। जो बच्चियां अपने माँ बाप से बिछड़कर अलग हॉस्टल में रहती हैं, उसके लिए सरकार का कोई मानक है ही नहीं। आधार कार्ड में अब आसानी से बदले अपनी फोटो। आधार कार्ड पर ही हमारी सबसे बुरी फोटो अक्सर देखने को मिलती है। अगर आपको भी अपने आधार कार्ड पर लगी फोटो पसंद नहीं है तो अब आप उसे आसानी से बदलवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर गेट आधार सेक्शन में जाकर आधार एनरोलमेंट फॉर्म या फिर करेक्शन या अपडेट फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को अच्छी तरह से भर ले और आधार पर मनेंट एनरोलमेंट सेंटर में बैठे एग्जीक्यूटिव को दे दे। इसके बाद अब आपको एग्जीक्यूटिव को अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होगी। इसके बाद आधार एनरोलमेंट सेंटर पर मौजूद कर्मचारी आपकी लाइव पिक्चर क्लिक कर लेगा। फोटो बदलवाने के लिए आपको सेंटर पर 25 रूपए का पेमेंट करना होगा, जिसमें टैक्स भी शामिल है। पेमेंट के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, जिसमें अपडेट रिक्वेस्ट नंबर URN होगा। URN का इस्तेमाल करते हुए आप आधार कार्ड के अपडेट स्टेटस को देख सकते हैं। आज जीत के इरादे से फाइनल खेलने उतरेगी अंडर 19 की भारतीय टीम। भारतीय क्रिकेट टीम रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब जीतने से महज एक जीत दूर है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से करारी मात देकर 8वीं बार फाइनल में जगह बनाई है, जहां उसका सामना 1998 की चैंपियन इंग्लैंड से होगा। वहीं इंग्लैंड भी डकवर्थ लुइस नियम के तहत अफगानिस्तान को हराकर खिताबी मुकाबले में पहुंची है। टूर्नामेंट में अब तक दोनों ही टीम एक भी मुकाबला नहीं हारी है और ऐसे में फाइनल में वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उतर सकती है। फाइनल मुकाबला शनिवार को एंटीगा के विवियन रिचर्ड्स मैदान में खेला जाना है। भारत की बात करें तो फाइनल मुकाबले के लिए वो शायद ही अपनी प्लेइंग 11 कोई बदलाव करेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय क्रिकेट दिलीप वेंगसेकर ने अपना आखिरी टेस्ट खेलकर 5 फरवरी 1992 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। भारत की सुनीता विलियम्स 2007 में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2010 में नीदरलैंड इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 600 में से 596 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीत लिया। 5 फरवरी 2016 को वित्त मंत्रालय ने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का 5 फरवरी 1990 में आज के दिन जन्म हुआ था। बॉलीवुड के शहनशाह अमिताभ बच्चन के पुत्र और फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन का 1976 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1927 में भारतीय सूफी संत इनायत खान का निधन हुआ था। 2008 में भारतीय आत्मिक योगी महर्षि महेश योगी का निधन हुआ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरभ सुमन, अब्दुल्लाम कन्हौली, प्रिया यादव, मनीष कुमार, रूपेश कुमार, दानिश शर्मा, रामबाबू कुमार, दिव्यांशु कुमारी, नुन्नू कुमार, शिवानी सिंह, सोहन कुमार, जूही सिंह, अनवर करीम खान, नरेश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस महीने पेश होने वाले बजट में किस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा राशि दिए जाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।